देख सकते हैं कि पता भी नहीं चल रहा, और जैसे भी ऑन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हर किसी के करने की बस की नहीं होती, इसलिए मैं आपको पहले नहीं दिखा पाया कि एक्चुअल में कैसे हो रहा था। है कि यहाँ पे जो ऑटो फोल्डिंग मिरर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, ये इसकी एक सेपरेट वीडियो अगेन आएगी कैसे लगे क्या कुछ था। जैसे इंडिकेटर्स जलते हैं उनके साथ साथ ये जलते हैं, काफी बढ़िया इंस्टॉलेशन है। वहीं पर अगर मैं पीछे से लुक्स दिखाऊँ आपको, पीछे पीपल कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, इसलिए है क्योंकि हम सभी की गाड़ी में जो है साइड मिरर्स लगे हुए होते हैं। किसी की गाड़ी में साइड मिरर्स में लाइट होती है, किसी की में नहीं होती है। लाइट आना कॉमन है, बहुत ज़्यादा कंपनी से भी आती है, बट आज जो होगा वो टर्न इंडिकेटर्स इंस्टॉल करे जाएंगे, वो भी शीशे के अंदर। और आपको थोड़ा बहुत हिंट लग गया होगा पहले कि क्या कुछ होने वाला है। सारा काम मोहित भैया ने करा उनका एसेसरीज पे, तो आप भी करवा सकते हैं गाइस। मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखें। किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाके पूछ सकते हैं। मेरा हैंडल का लिंक है IAMM हर्ष व्लॉग्स, तो ये लिखेंगे तो मेरा ही चैनल आएगा, मेरा ही हैंडल आएगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। सो गाइस, आज जो गाड़ी में काम होने वाला है ये होने वाला है कि साइड फोल्डिंग मिरर्स आपने मेरी गाड़ी में पहले ही देख लिए होंगे, तो इस तरफ का साइड फोल्डिंग मिरर जो है वो भी लग चुका है, इस पर वीडियो आ गई होगी तो नहीं दोबारा आ जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स जो हैं मैं मिरर में ही इंस्टॉल करवाने वाला हूँ। एंड गाइस, आप देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। छोटी मॉडिफिकेशन है बट बहुत ज़्यादा बढ़िया मॉडिफिकेशन है, एंड बहुत ही कम लोग जो हैं वो ऐसा कर पाए हैं। एंड रिट्स में तो मिरर आज तक लगे ही नहीं है, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ ही है वर्ल्ड में कि रिट्स में मिरर लगा दिए गए साइड फोल्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे जो है आज आपको साइड फोल्डिंग मिरर्स हैं उसमें यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं, यानी कि जैसे मैं टर्निंग इंडिकेटर दूंगा उसी के साथ साथ इधर का इंडिकेटर जो जलना शुरू हो जाएगा। तो मोहित भाई, ये तो काम किसी ने करा ही नहीं है ना, क्योंकि हमने रिट्स में ही हमने लगाए थे ये रिट्स में लगाए, और सबसे पहले हमने आपके बलिनो में लगाए थे साइड में जो जलते हैं। ये वीडियो देख के मेरे बहुत कस्टमर भी आए थे। सो गाइस, ये जो है मैं इस तरफ का आपको दिखाता हूँ एक बार, अगर सेम जो उस तरफ का भी स्टॉक वैसा ही है तो अभी जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं कि अभी जो है सिर्फ इधर ही इंडिकेटर्स जल रहे हैं यहाँ पे, बट जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो उसके बाद अंदर भी एक एरो करके आएगा, तो वो मेरी बलिनो में भी मोहित भैया ने ही लगाया था सबसे पहले। तो गाइस, इसमें वारंटी वगैरह कुछ वॉइड नहीं होती। तो भैया, कितना टाइम लग जाता है? लगभग एक घंटा लगता है, लेकिन बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है, नहीं तो टूट जाता है ना, टूट जाता है। सो गाइस, एक डेढ़ घंटे का टाइम आपको जबकि आपके पास हो तो वो कम से कम दे, है ना? कम से कम, और मतलब थोड़ा रिस्क होता है इसमें क्योंकि टुकड़ी मैंने अभी उसमें लगाया था जैगवार में, तो टूट जाती है कई बार, है ना? टूट जाती है टुकड़ी, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। और गाइस, सारा काम जो हो रहा है वो मोहित भैया के ओमकार एसेसरीज पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरे जो मिरर्स थे, कई लोग बोल रहे थे कि भाई तूने दोनों मिरर्स नहीं लगवाए, तो ये जो वीडियो है थोड़ी डिले में आ रही है, इसलिए यहाँ पे वाला मिरर भी लग चुका है, वो वाला मिरर भी लग चुका है, उसकी वीडियो आपने देख ली होगी ऑलरेडी। तो गाइस, यहाँ पे दोनों मिरर्स की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, अब जो है इसके अंदर यहाँ पे लगाया जाएगा इंडिकेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है एक तरफ का मिरर खुल चुका है, एंड इसी तरीके से जो होगा बाद में सारा काम होगा। तो बीच का जो प्रोसीजर हो इसलिए नहीं दिखा सकते मोहित भाई, किसी को सबको नहीं आता है काम करना, है ना? मेन चीज ये है कि देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, इसलिए मैं कैसे होगा वो दिखा नहीं सकता। बट फॉर आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी का ही टुकड़ा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, एंड इसमें लगने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कैसे कुछ जो हुआ है। यहाँ पे है पहला टुकड़ा जो है तैयार हो चुका है, टुकड़ी पहले तैयार हो चुकी है, एक बार दिखा दो भैया। तो देखिएगा, इस पीछे जो था आपने ऑलरेडी देखा होगा यहाँ पे कि ये पहले भी लिखा हुआ था, तो कोई ऐसा नहीं कि पीस चेंज हुआ है क्या हुआ है। तो अब जो है इसको गाड़ी में एक बार भैया पहले यहाँ पे चेक करवा देते हैं कि क्या कुछ है। ये रेडीमेड में फॉर्च्यूनर की भी आ रही है, बंद करो, कॉपीराइट आ जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा लाइट लग चुकी है, और बाहर से देख के कोई नहीं बता सकता एक्चुअल में गाड़ी में क्या काम हुआ। जैसे इंडिकेटर चलेंगे उसी के साथ साथ ये भी चलने लगेंगे, और गाइस मैं दिखाऊं, देख सकते हैं कि पता भी नहीं चल रहा, और जैसे भी ऑन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हर किसी के करने की बस की नहीं होती, इसलिए मैं आपको पहले नहीं दिखा पाया कि एक्चुअल में कैसे हो रहा था। मेरे पास जैगवार बड़ी बड़ी गाड़ियों में ला सकते हैं करवाने के लिए, लेकिन पेशेंस रखने पड़ेंगे, टाइम चाहिए इसके लिए, नहीं तो टूट सकता है ना, टूट सकता है। और जैगवार की टुकड़ी कम से कम 5-7 से 8 हज़ार रुपए की एक होगी, तो वही है, फिर अगर टूट जाए तो सारा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए गाइस, ये देख सकते हैं हमारा जो भी राइट साइड का लेफ्ट साइड का मिरर है उसमें लग चुके हैं, ऐसी राइट वाले में लगेगी। सो गाइस, यहाँ पे जो है दूसरे की भी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, आप देख सकते हैं दोनों के हो चुके हैं। मैं उस तरफ अगर आपको दिखाऊं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक लग चुका है, यहाँ पे पास में ले जाके दिखाऊं, और जैसे इंडिकेटर्स जलते हैं उनके साथ साथ ये जलते हैं, काफी बढ़िया इंस्टॉलेशन है।
वहीं पर अगर मैं पीछे से लुक्स दिखाऊँ आपको, पीछे से कुछ ऐसे हैं, और अगर और भी पीछे से यहाँ से ले जाके दिखाऊँ आपको, तो आपको पूरा दिख जाएगा कि पीछे से इंस्टॉलेशन जो है कैसी लग रही है गाइज। और कई लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई ये जब लगे होते हैं तब क्या लेफ्ट राइट देखने में फ़र्क आता है या मुश्किल होती है, तो गाइज मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती जब ये लगे हुए होते हैं। मुझे आज तक कोई भी ऐसी फेसिंग नहीं आई है। अंदर से मैं आपको थोड़ा सा फिर भी अंदाजे के लिए दिखा देता हूँ, तो आप अंदर से भी देख सकते हैं कि ऐसा कुछ ऐसा इशू नहीं आता है कि विजिबिलिटी में कोई इशू आ रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इंस्टॉलेशन सारी मोहित भैया ने करी है। मोहित भैया चीज़ एक बार तो बिलिनो में तो लगे हमने एक डेढ़ साल हो गया होगा, अभी तक सही चल रहा है, डेढ़ साल हो गया एकदम सही चल रहे हैं। सो गाइज मैंने पहले बलिनो में भी इंस्टॉल करवाया था मेरी में, एंड अब आज है जो रिट्स में इंस्टॉल करवाया। बोल रहे थे कि भाई तुमने किसी और गाड़ी का लगाया, तो गाइज मैं एक चीज़ बोलूँ, किसी और गाड़ी का लगवाना भी अगर पॉसिबल हो तो आप लगवा लो रिट्स में, किसी और गाड़ी का लगवा सकते हो तो, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर फिटिंग होती है वो डिफरेंट फिटिंग होती है एंड वो करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये लग चुके हैं और काफ़ी बढ़िया है कि यहाँ पे जो ऑटो फोल्डिंग मिरर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। ये इसकी एक सेपरेट वीडियो अगेन आएगी, कैसे लगे क्या कुछ था, सेकंड पार्ट आने वाला है। आज की जो वीडियो थी हमारी वो इस पे थी कि आप देख सकते हैं ये जो है किसी भी गाड़ी में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, हो सकते हैं ना मोहित भैया, किसी भी गाड़ी में, बट टाइम थोड़ा देना पड़ेगा लगता भैया, आराम से करना पड़ता है, इधर टूट जाता है। एंड गाइस आपको अगर और भी अच्छे से चाहिए तो आप आपके जो शीशे का टुकड़ा है भैया से यहाँ पे उतरवा के रख जा सकते हैं और नेक्स्ट एक दो दिन में आगे कलेक्ट कर सकते हैं। और क्या है, मैंने एक वीडियो देखी थी, वो फॉर्च्यूनर की वीडियो थी, फॉर्च्यूनर के तो शीशे ही अलग से मिलते हैं मतलब सेपरेट आते हैं। हाँ, सेपरेट आते हैं, वो बहुत महंगा पड़ता है, मैं लेकिन ये हम तो बहुत सस्ते में खरीदे। तो मोहित भाई एक चीज बताओ कि मान लो ये तो अपना रेट्स का हो गया, कोई स्विफ्ट का आपसे बोलता है कि भाई मेरे को टुकड़ी चाहिए कांच की, हाँ। जिसमें आपने बना रखा तो आप भेज देंगे कुरियर? हाँ, बिल्कुल भेज दूंगा। तो गाइज आप ये अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। दोनों तरफ का मैंने आपको दिखा दिया कैसा कुछ लग रहा था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि कैसा लग रहा है। अभी अभी मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक आइडिया आ गया है कि एक साइड मिरर में और एक कुछ अलग सी चीज करने वाला हूँ, अंदर लाइट नहीं बताऊंगा थोड़ा सा, अब जब आर्ज भाई दोबारा आएंगे तो उसमें एक ड्रामा और करेंगे जो देखने वाला होगा। चलिए गाइस वो होगा। और आज जो भैया एक और चीज करने वाले हैं, गाड़ी में क्या लगा रहे हैं? हम इक्वलाइजर लगाने वाले हैं, 6500 नंबर पायनियर का इक्वलाइजर लग रहा है, उस पर सेपरेट वीडियो आएगी। और 2150 तो मैंने आज वाली वीडियो में दिखाई दिए थे मोहित भैया ने जो लगाए थे। Yes, I did it all for love. Oh, they say fools believe in it. So I guess I'm worth. Guys, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने जो है मेरी रिट्स में दोनों साइड फोल्डिंग मिरर्स लगा दिए। साइड फोल्डिंग मिरर की एक और वीडियो आएगी, बिकॉज आप में से बहुत से लोगों को डाउट था कि लेफ्ट साइड का जो है वो कहाँ पे, तो लेफ्ट साइड का भी लग चुका था, डिले हो रखा था वीडियो में थोड़ा। आज की जो इंस्टॉलेशन थी वो लाइट्स की थी, बहुत बेसिक से इंस्टॉलेशन बट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है पीछे से जो लोग खड़े होते हैं उनको देखने में, और साथ ही साथ अंदर जो बैठे होते हैं उनको भी। आप कमेंट सेक्शन में आपकी राय लिख के बताएं कि आपको कैसी लगी, मुझसे पूछा जाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा है जो मेरे रेट्स में काम हुआ, छोटा छोटा मॉडिफिकेशन हो रही है। नेक्स्ट वीडियो शायद आपको मेरी गाड़ी के एग्जॉस्ट की देखने को मिल सकती है, मैं मेरी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगा रहा हूँ, तो मेक श्योर आप वो भी वीडियो पूरी एंड तक देखें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद का थोड़ा पसंद आई, पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।